नमस्कार, आप सभी, मेरा नाम है सुखबीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग का एक शिकार बन जाते हैं और वो किन कारणों की वजह से बनते हैं मैं वो भी बताना चाहूँगा आपके लिए। कारण उनके पीछे ये होता है कि या तो उनको जानकारी नहीं होती है या फिर उनको वीडियो कॉल पर कुछ गलत हरकत करने का शौक होता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें आप करते हैं तो आप ये समझ जाइए कि आप बहुत ही गलत कर रहे हैं और आप इन सब चीज़ों के शिकार जब हो जाएंगे तब आपको ये महसूस होगा कि हाँ, मैंने गलत किया। इसलिए मैं आपसे पहले से बता देता हूँ कि आप ऐसी हरकत, गलत हरकत ऑन कैमरा या वीडियो कॉल पर ना करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा दुख देंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को सुधारें। अगर आपको ऑन कॉल, ऑन वीडियो कॉल पर अगर लड़कियों से या किसी प्रकार से आपको किसी व्यक्ति से आपको शौक है वीडियो कॉल करने का या फिर उनके साथ में अश्लील हरकत करना या गलत हरकत करना, तो आप इन सब चीज़ों को सुधार लीजिए आज ही, क्योंकि अगर ये चीज़ें किसी समय पर रिकॉर्ड हो गई तो फिर भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा चिंता कर देंगे, टेंशन कर देंगे। तो मेरा एक मतलब एक मोटो है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊं ताकि आप अपने आप को भविष्य में सुधार सकें और आप ऐसी कोई भी गलती ऑन वीडियो कॉल ना करें। बहरहाल, बात करते हैं कि वीडियो कॉल स्कैम का जो अब तक जो दायरा था वो यहाँ तक था कि आपके पास कोई भी अननोन नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आएगा और आप उसको रिसीव करेंगे और दूसरी तरफ लड़की जो है वो आपको कुछ गलत हरकतें करेगी और फिर वही आप हरकतें आप कर देंगे। ये एक कॉमन वे, या फिर इस तरीके से फेसबुक के द्वारा आपके पास में इस तरह की चीज़ें आना और उसके बाद फिर आपको आपके साथ में इस तरह की गलत हरकत कर देना, ये एक तरीका था। लेकिन अब जो है, अगर बात करें कि मैट्रिमोनियल साइट, एक मुझे जानकारी मिली कि मेरे पास में जो है वो एक मैसेज आया जो मैंने आपका स्क्रीनशॉट शेयर किया, उसको देखें। तो जैसे जानकारी मुझे मिली तो वही मैं आपको जानकारी जो है मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास जब कमेंट आता है तो कोई एक व्यक्ति को जानकारी ना देकर मैं सोचता हूँ कि आप सब लोगों को दूँ ताकि आप सब लोग भी उस चीज़ से जानकार हों। बहरहाल, बात करते हैं कि जो जानकारी हमारे पास आई है वो ये बताया गया कि सर, ये लोग जो है मैट्रिमोनियल साइट पर भी फैले हुए हैं, क्योंकि मैट्रिमोनियल साइट पर भी इन लोगों का अकाउंट है और वहाँ से ये लोग बातचीत करते हैं और उसके दौरान जो है बातचीत के बाद जो है वो व्यक्तियों को वीडियो कॉल या कॉल करते हैं और उसके बाद उनको फंसा लेते हैं और उसके बाद उनके साथ स्कैमिंग करते हैं। अब किस तरीके से होता है मैं थोड़ा वो भी बता देता हूँ, क्योंकि लोग मेरे पास ये कई प्रकार से मैसेज वगैरह आए तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं अपडेट करूँ, क्योंकि चीज़ें जब जानकारी होती है तो व्यक्ति किसी बुरे काम में फंस नहीं पाता, लेकिन जहाँ पर जानकारी नहीं होती है तो वहाँ पर वो व्यक्ति उन सब चीज़ों में फंस जाता है। तो मैं आज आपको वही बताऊँगा कि अगर ऐसी चीज़ आपके सामने आती हैं तो आपको विशेष बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आपके पास में जो भी कोई ब्लैकमेलर या स्कैमर आपके पास में आपको अप्रोच करेगा तो आपको हर काम में बहुत ही जल्दबाजी करेगा। वो जल्दबाजी का मतलब कि अगर आपके साथ में उसका कौन सा कॉन्टैक्ट हो गया है तो आपसे जल्दी जानकारी आपसे लेना चाहेगा कि आप अपनी जानकारी फटाफट दो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कितना कमाते हो, कितने क्या प्रॉपर्टी है, सब कुछ आपसे ले, क्योंकि मैट्रिमोनियल साइट पर जो है वो आप शादी के लिए रजिस्टर्ड करते हैं और शादी के लिए अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आप अपनी जानकारी दूसरे व्यक्ति को देंगे कि भाई मेरी जानकारी, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैं इतना कमाता हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, वो आप सबको बताएंगे। यहीं से लोग जो है वो जिस तरीके से उनके पास में किसी प्रकार से कोई अप्रोच आती है या फिर उनके पास कोई कॉल मैसेज वगैरह आता है तो जैसे ही मैट्रिमोनियल साइट नाम लेते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हाँ, हो सकता है ये रिश्ते के लिए हुआ हो। तो जब रिश्ते की बात आती है तो लड़का हो या लड़की, दोनों में से कोई भी व्यक्ति जो है इन सब चीज़ों के लिए एक्साइट हो जाता है कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति जो है वो मेरे को शादी करने के लिए बात बोल रहा है। अब वो ये बात भूल जाते हैं कि शादी के चक्कर में ये कुछ और ही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके साथ में ये चीज़ आती हैं सामने कि भाई सामने वाला लड़का शादी करना मुझसे चाहता है, लड़की चाहती है, तो आप उससे बिना मतलब देरी करे हुए आप वही काम करते हैं जो वो चाहता है, क्योंकि आप यहाँ पर वो काम करना शुरू करते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लड़के या लड़की इस चक्कर में आ जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अपना ही ये कर देते हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ऑन कैमरा वीडियो कॉल करने के बाद अगर आप किसी प्रकार की कोई हरकत करी तो वो रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड करने के बाद जो है वही चीज़ आपको भेज देगा, फिर आपसे पैसे की मांग करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके सामने घटित हो जाती हैं और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपका चाहे वो मैट्रिमोनियल साइट से आए, चाहे डायरेक्ट व्हाट्सअप कॉल आए या फिर किसी मैसेंजर या मीडिया से, सोशल मीडिया की तरफ से आपको वीडियो कॉल आए, आपको अननोन नंबर से या फिर आपके जानकार भी है तो भी आप उसके साथ में वीडियो कॉल पर किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो जिम्मेदार आप स्वयं ही होंगे, फिर मेरा समझाना आपके लिए बेकार ही होगा। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ उनसे जो समझिए कि सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें का रिकॉर्ड बन जाता है और आप
के पास ही वही चीज़ें फिर भेजी जाती हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मेरा उद्देश्य था कि मैं आपको जागरूक करूँ, जानकारी दूँ कि व्हाट्सअप या फिर मैसेंजर या फिर यूट्यूब वगैरह इन सब चीज़ों को छोड़कर मैट्रिमोल साइट पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के दौरान जो है जो चीज़ें सामने आती हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल हरकत ना करें, आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा अपडेट रहें। बस इतना करना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज के वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।